आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। हरिद्वार स्थित थाना पथरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी पुत्र ने अपनी माँ की हत्या महज नशे के कारण कर दी। नशेड़ी बेटे ने अपनी माँ से स्नैक के लिए पैसे मांगे थे। पैसे देने से मना करने पर उसने अपनी माँ के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। हरिद्वार स्थित गांव धनपुरा निवासी सावन कुमार 20 वर्ष ने अपनी माँ कमलेश 50 वर्ष पत्नी सूरज भान की सर पर फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक ने शव को बाथरूम के अंदर डाल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाई तो सामने आया आरोपी सावन स्मैक का नशा करता था। लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल ने बताया महिला के छोटे पुत्र द्वारा महिला की हत्या की गई है, जो नशे का आदी है। आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। हरिद्वार से अंजलि पासवान की रिपोर्ट। 20 अगस्त को पथरी धनपुरा क्षेत्र में एक युवक के द्वारा अपनी माँ की हत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस टीम वहाँ पहुंची थी। इस संबंध में मृतका के पति सूरज भान के द्वारा अपने पुत्र सावन के विरुद्ध हत्या का अभियोग अंतर्गत धारा 103 एक भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत कराया गया था। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा इस संबंध में हत्या आरोपी की गिरफ्तारी एवं अन्य साक्ष्य संकलन के लिए तत्परता से कार्रवाई करने के लिए टीमें गठित करने के निर्देश दिए थे। एसएसपी सर के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में 4 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा लगातार फॉलोअप लेते हुए हत्या आरोपी सावन को धनपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, डंडा और हत्या आरोपी का उस समय पहना हुआ शर्ट बरामद करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।